मुफ्त में दवा मिलेगा, डॉक्टर साहब अपना ही करेंगे, बढ़िया डॉक्टर हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। प्रदीप कुमार सिंह जो है सफदरजंग हॉस्पिटल में अपनी सर्विस दे चुके हैं और बेहतरीन जो है इनका दिल्ली में प्रैक्टिस रहा और अच्छा जाए। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। मेडिकल कैंप लगने से बहुत अच्छी डॉक्टर साहब की सोच है। हम लोग ये है कि यहाँ के लोगों को कुछ इनसे सुविधा लिया जाए, लोगों को कुछ इलाज हो जाए, मुफ्त में दवा मिलेगा, डॉक्टर साहब अपना ही करेंगे, बढ़िया डॉक्टर हैं, दिल्ली से आए हुए हैं और यहाँ के लोगों के कुछ फ़ायदा हो जाए, वार्ड नंबर 45 के आम जनता को, बच्चे लोग को कुछ हो जाए, सेवा की भावना से ही हो रहा है। क्या लग रहा है इस तरह के मेडिकल कैंप आयोजन होने चाहिए? एकदम हमेशा होना चाहिए, हर तरह का आयोजन होना चाहिए, हर और ये होने से आम जनता को तो काफ़ी फायदा होता है। हाँ, दवा भी यहाँ मुफ्त में दिया जा रहा है, जांच भी है और डॉक्टर साहब का फीस भी सब है और बढ़िया एक बढ़िया डॉक्टर हैं, दिल्ली से आए हुए हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, बच्चे शिशु स्पेशलिस्ट हैं जी, और इसका कैंप लगना चाहिए। हाँ, गांव के लोग भी आएंगे और बहुत लोग ताके चलेंगे, लेकिन अभी शाम तक भीड़ रहेगी और बहुत कामयाब कैंप रहेगा। ये हम सभी आदमी के संजोग से हुआ है, यह पूरे वार्ड सदस्य। जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जो है सफदरजंग हॉस्पिटल में अपनी सर्विस दे चुके हैं और बेहतरीन जो है इनका दिल्ली में प्रैक्टिस रहा और अच्छा जाए, और वो यहाँ सुविधा इनको बुला के जो है पप्पू भाई ने जो है यहाँ आयोजन करवाया है वार्ड नंबर 45 के लोग, और सुबह से देख रहे हैं कि हम तो आए थे, एक बार और आए थे सुबह, इधर से जा रहे थे देखा बहुत भीड़ थी काफ़ी लोग, और अच्छा लाभ उठा रहे हैं, फ्री में दवा भी मिल रही है। इस तरह का आयोजन हम लोग को लगता है कि हर जगह होना चाहिए, ताकि जो लोग जो है पैसा के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, उनको जो है उनके बच्चों को बढ़िया सुविधा जो है उपलब्ध होना चाहिए, फ्री में दवा भी मिल रहा है और बेहतरीन अनुभव है इनका डॉक्टर जो है बच्चों के मामले में, और मैं तो पप्पू भाई का शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम इस तरह का जो है ये हमेशा जो है सामाजिक काम में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते भी हैं और इस तरह के काम में इनकी रुचि रहती है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको और लंबी उम्र दे, इस तरह का और जो है आयोजन करते रहें, मेरी दुआएं इनके साथ हैं और मेरा सहयोग भी इनके साथ है हमेशा। जी, सबसे पहले तो हम लोग जो इलाज नहीं करा पाते हैं फीस के या मतलब उतना एफोर्ट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं। जी, आप सफदरजंग में अपना जी जी सर्विस कर चुके हैं। हाँ, अभी जो मरीज पहुँच रहे हैं क्या कहेंगे? तो अभी जो मरीज पहुँच रहे हैं इन लोगों, हम लोग हेल्प करने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है इस तरह के मेडिकल कैंप आयोजन लगातार आपके द्वारा होना चाहिए? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल करेंगे, हम लोग कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं, मतलब हर अलग अलग प्रखंड में। सर, आपने दिल्ली से पढ़ाई किया है तो वहाँ पे प्रैक्टिस किया है कि सिर्फ शिवानी पे? नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग बड़े हॉस्पिटल है उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, पुर्जा पे सफदरजंग हो गया या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सभी में हम लोग प्रैक्टिस करके ही कोई आता है, ऐसे डायरेक्ट कोई नहीं बैठ सकता ना। ठीक है।